समान नागरिक संहिता कानून को लेकर कई संगठन पूरे देश में समर्थन जुटा रहे हैं। इंदौर में हिंदू संस्कृति मंच ने बड़ा गणपति चौराहे से एमजी रोड तक विशाल मानव श्रृंखला बनाई है, जिसमें साधु संत सहित कई सामाजिक संगठन शामिल हुए, एक देश एक कानून का समर्थन किया है। समान नागरिक संहिता कानून के लिए देश भर में समर्थन जुटाया जा रहा है। इंदौर में हिंदू संस्कृति रक्षा मंच ने यूसीसी के समर्थन के लिए पहल की है। मंच द्वारा संत समाज की गौरवशाली उपस्थिति में मानव श्रृंखला का आयोजन किया है। बड़ा गणपति चौराहा से एमजी रोड तक विशाल मानव श्रृंखला बनाई गई है। मानव श्रृंखला का यह कार्यक्रम भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हिंदू संस्कृति रक्षा मंच के संयोजक अमरदीप मौर्य के नेतृत्व में हुआ है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं और समान नागरिक संहिता का समर्थन किया। भैया, आज समान नागरिक संहिता को लेकर समर्थन मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया, किस तरह का मामला? देखिए, इस देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान देने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने मांग की थी कि एक देश में दो प्रधान दो विधान दो निशान नहीं चलेंगे। आज दो विधान की बात जब आती है, एकता और अखंडता की बात आती है, तो धारा 370 की बात निकल के आती है। मैं बहुत आभार करता हूँ नरेंद्र मोदी जी की सरकार का कि उन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटा के कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को एक किया। आज दो विधान की जब बात आई, नागरिक संहिता कानून की बात आ रही है, तो कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो उन विरोधियों को एक जोरदार तमाचा मारने के लिए मानव श्रृंखला का निर्माण यहाँ पर हमारे हिंदू संस्कृति रक्षा मंच के कार्यकर्ताओं ने मिलकर किया है। मैं सभी कार्यकर्ताओं का भी आभार करता हूं कि उन्होंने समान नागरिक संहिता कानून देश में भी लागू हो और राज्य में शिवराज सिंह चौहान जी भी लागू करें, इस मांग को लेकर मानव श्रृंखला का निर्माण यहां पर किया गया। देश की सरकार को समर्थन हमने दिया। यस, सैकड़ों की संख्या में युवा साथी, महिलाओं की यहाँ पर उपस्थिति थी, स्पोर्ट्स के हमारे खिलाड़ी भी यहाँ पर उपस्थित थे। हमने सभी से आग्रह किया था और सबने इसका समर्थन किया है। देश की सरकार से जल्द लागू करने का मांग करते हैं। जनप्रतिनिधि नजर नहीं आया है? देखिए, जनप्रतिनिधि के रूप में हमने किसी को हिंदू संस्कृति रक्षा मंच का कार्यक्रम है, हमने सबको हिंदू होने के नाते आमंत्रित किया था और यहाँ पर सभी हिंदू एकत्रित हैं। लेकिन कई बार देखने में आता है कि जो विरोधी है वो अभी तक सामने नहीं आ रहे हैं, इसका समर्थन भी नहीं कर रहे, विरोध भी नहीं कर रहे। देखिए, वो मीडिया के माध्यम से कुछ बातें जो ध्यान में आती है, हमने सड़क पर मैदान में खड़े होकर इसका जवाब देने का काम किया है, मानव श्रृंखला निर्माण किया है। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।